फ्रेंड, आज मैंने स्पेशल किचन में बनाया है साबूदाना की खिचड़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम अलग अलग दाना साबूदाने का, मूंगफली का, आलू का है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अगर आप जब भी व्रत रहो तो इस तरीके से साबूदाना की खिचड़ी ज़रूर बनाओ। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं व्रत के लिए साबूदाना की खिचड़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बन के तैयार होने वाला है। और जिसके लिए मैंने ये ले लिया है, 2 से 3 आलू ले लिया था, इसे बारीक पतला एक चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये टमाटर बारीक चॉप कर लिया था, हरी मिर्च है, धनिया का पत्ता है और कुछ कच्ची मूँगफली है। साबूदाना को मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था, आप देख सकते हैं। इसे मैंने पहले रगड़ के 2-3 पानी से अच्छे से वॉश किया, उसके बाद मैंने भिगोया, ताकि क्या होता है कि जब भी आप साबूदाना की खिचड़ी बनाओ तो आप देखते हो एकदम चिपक जाता, पता नहीं कैसा हो जाता है लेई जैसा। तो इसीलिए मैंने इसको 2-3 पानी से रगड़ के तब भिगोया। इस ट्रिक से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी आपकी साबूदाना की खिचड़ी बनेगी। और मैंने भिगो दिया, देखिए कैसे खिले खिले हो गए एकदम अलग अलग। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं अपना साबूदाना की खिचड़ी। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो घी डाल सकते हो। मैं अक्सर व्रत की चीज़ें रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ, मूंगफली वाले रिफाइंड ऑयल में। तो आप भी रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं खाते तो आप देसी घी में बना सकते हो। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है और ये तेल गरम हो गया है। मूंगफली को मैंने अच्छे से पानी से, साफ पानी से वॉश कर लिया था, ताकि बाहर से आया हुआ है, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो खाना सही नहीं है। इसीलिए जब भी मैं बनाती हूँ खाने के लिए तो मूंगफली कोई भी चीज़ हो, मैं उसको अच्छे से एक बार वॉश करके तो ही बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। और इसमें क्या करेंगे, हम तेल में मूंगफली को अच्छे से भून के निकाल लेंगे, उसके बाद हम साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे। मूंगफली हम इसलिए पहले भून रहे हैं, मूंगफली भूनने से ये होता है कि जब हम खिचड़ी में मूंगफली को डालते हैं ना, तो ये मूंगफली के दाने एकदम साबूदाना के साथ साथ ये भी अलग अलग रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है दिखने में। मूंगफली देख रहे हैं हमारे कितनी जल्दी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, हमें ज़्यादा इन्हें जलाना नहीं है, ये अपने आप देखिए कैसे फट जा रहे हैं। तो मूंगफली चटकना शुरू हो गया है, हम इसे 1 सेकंड के लिए और इस तरीके से भूनेंगे, उसके बाद हम बर्तन में से निकाल लेंगे। मूंगफली जो है हमारी हो गई है, हम इन्हें निकाल लेंगे बर्तन में। मूंगफली को मैंने निकाल लिया है, सॉरी। अभी हम क्या करेंगे, इसी तेल में हम थोड़ा सा डाल देंगे जीरा, जो कि खिचड़ी में एक अच्छा फ्लेवर ले आएगा साबूदाने की खिचड़ी में। इसमें हम डाल देंगे जीरा, जीरा चटकती लगा है, इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च। ज़्यादा जलाना नहीं है हमें, उसी के साथ हम ले लेंगे ये कटे हुए टमाटर। सभी को अच्छे से जला लेना है हमें। और अभी हम इसको 1 सेकंड के लिए ढक देते हैं। 1 सेकंड हो गए हैं, टमाटर जो है हमारे देखिए अच्छे से बढ़िया गल गए हैं। इन्हें हम ऐसे क्रश कर देंगे इसी में। और फिर उसके बाद जो ये फ्रेश कटे हुए आलू है मैंने कट करके रखा था, इन्हें हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसको चला लेते हैं हम। आप सोच रहे हैं टमाटर डालने के बाद आलू कैसे पकेगा, बिल्कुल पक जाएगा, क्योंकि हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक।
अगर जो सेंधा नमक नहीं खाते तो विदाउट टमाटर के बना सकते हैं, या तो टमाटर लास्ट टाइम में डालें। तो अभी हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। व्रत पे खाने वाला नमक है सेंधा नमक। इसको अच्छे से चला देंगे और हम इसे ढक देंगे 2 सेकंड के लिए। 1 सेकंड हो गया है, चेक कर लेते हैं आलू की क्या कंडीशन में है। ये जो आलू हल्का हल्का कच्चा है, चलिए 2 सेकंड के लिए हम इसे फिर से ढक देंगे और इसके ऊपर से ये जो हमारे साबूदाना है इनको थोड़ा सा डाल देंगे हम, और बाकी साबूदाना को बाद में डालेंगे। 2 सेकंड के बाद हम फिर से इसे चला देंगे अच्छे से। आलू जो है हमारी पक गई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसमें ये जो बाकी साबूदाना है इनको डाल देंगे और इनके साथ हम दे देंगे ये भुनी हुई मूंगफली। इन सभी को अच्छे से चला देंगे। गैस का फ्लेम आप एकदम लो ही रखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत लोग कुकर में बनाते हैं लेकिन मैं ज़्यादातर कढ़ाई में बनाती हूँ क्योंकि कुकर में एकदम गल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता दिखने में। और इसमें हम डाल देंगे फाइनली बारीक हरी धनिया पत्ती जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अलग अलग दाने हुए हैं। ये हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है, एकदम अलग अलग मूंगफली साबूदाना आलू सब अलग अलग देख रहे हैं। और जितना अच्छा लुक है उतना ही टेस्टी है और कितना इजीली बन गया। और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और फ्रेश हरा धनिया दे दूंगी। आप प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर बनाइए साबूदाना की खिचड़ी, बहुत ही इजली बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है खिचड़ी। आप व्रत में जब भी आप व्रत हो तो आप इस तरीके से बना के खा सकते हो। और आप एक चीज़ और, जैसे जो व्रत में नमक नहीं खाते ना तो इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड करके बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से नमक की जगह आप चीनी डाल सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए घुमा के चारों तरफ से कितना अच्छा बन के हमारा ये साबूदाना की खिचड़ी तैयार हुआ है। तो प्लीज़ अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है आपको, मेरा ये साबूदाना की खिचड़ी बनाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।